आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, हमारा प्रश्न दिया हुआ है रासायनिक अभिक्रिया के संघट सिद्धांत के अनुसार। चार ऑप्शन है, प्रत्येक आणविक टक्कर के साथ रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। दूसरा है, वेग प्रति सेकंड टक्करों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तीसरा, गैस प्रवस्था में हमेशा अभिक्रिया की कोटि शून्य होती है। चौथा, अभिक्रिया का वेग आणविक गति की कोटि का। तो चलिए समझते हैं इसका आंसर। यहाँ पर क्या हुआ है, संघट सिद्धांत क्या है? तो संघट सिद्धांत जो होता है ना, कोई भी अभिक्रिया जो होता है, किसी भी प्रकार का अभिक्रिया, तो उस अभिक्रिया में ताप के प्रभाव को व्यक्त करने के लिए एक सिद्धांत बनाया गया था। ठीक है, ताप के प्रभाव को व्यक्त करने के लिए एक सिद्धांत बनाया गया जिसका नाम था संघट्य सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार क्या बोला गया कि रासायनिक अभिक्रिया तभी संभव है जब अभिकारक के अणु आपस में एक दूसरे से टकराते हैं। ठीक है, तो अभिकारक के अणु, सपोज कर लो ये ए का अणु है और सपोज कर लो ये बी का अणु है। ये ए का अणु जब बी के अणु से टकराता है तो कोई प्रोडक्ट सी बनाता है। ओके, ये ए का अणु है, ये बी के अणु से टकराकर कोई प्रोडक्ट सी बनाता है। तो बोला जाए कि प्रत्येक आणविक टक्कर के साथ रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है, ये हमारा बिल्कुल भी लाइन सही है। ठीक है, लेकिन एक्चुअली क्या गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रत्येक आणविक टक्कर के साथ। तो प्रत्येक आणविक टक्कर के साथ ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हम कोई भी रिएक्शन होगा तो वहां पर जरूरी नहीं कि सारा मॉलिक्यूल्स एक दूसरे में टक्कर करे। ठीक है, सारा मॉलिक्यूल्स एक दूसरे में टक्कर नहीं करता है, कुछ ही मॉलिक्यूल्स टक्कर करता है और कुछ मॉलिक्यूल्स टक्कर नहीं करता है। यहाँ पे प्रत्येक आणविक टक्कर लिखा हुआ है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा है, वेग प्रति सेकंड टक्करों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये हमारा स्टेटमेंट सही है, जितना वेग होगा, ठीक है, एक सेकंड में जितना वेग होगा कि उसका टक्करों की संख्या उतना व्युत्क्रमानुपाती होती है। जितना स्पीड बढ़ेगा उसका टक्कर का संख्या क्या होगा, वो कमेगा। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा सही है। तीसरा दिया हुआ, गैस प्रवस्था में हमें हमेशा अभिक्रिया की कोटि शून्य होती है। गैस प्रवस्था में अगर देखें अभिक्रिया की कोटि, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बिल्कुल भी शून्य होगा। ठीक है, तो ये भी हमारा गलत स्टेटमेंट दिया हुआ है, क्योंकि ये ऐसा तभी हो सकता है जब वो आइडियल गैस होगा। ठीक है, आइडियल गैस नहीं होगा तो ऐसा नहीं होगा। चौथा है, अभिक्रिया का वेग आणविक गति की कोटि का होता है। ये भी पॉसिबल नहीं है, अभिक्रिया का वेग आणविक गति के कोटि के हमेशा इक्वल नहीं हो सकता। तो ये तीन चार ऑप्शन में हमारा तीन ऑप्शन गलत है, जबकि संघट्य सिद्धांत के अनुसार ये हमारा जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल भी सही है। बी इज द राइट आंसर। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।